फैक्ट नंबर वन गाइस, अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे नॉन कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने उस समय अपनी सरकार बनाई थी जब हर जगह कांग्रेस का दबदबा था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्हें उस वक्त पूरी 24 पार्टियों से समर्थन मिला था, जिसे पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी में एक खास प्रतिभा थी जिसमें वो सबको साथ लेकर चलते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस भी उनके हर फैसले में उनका समर्थन करती दिखती थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री बने थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश का हित हो। और शायद इसीलिए उनकी सरकार पहली ऐसी नॉन कांग्रेसी सरकार थी जो पूरे 5 साल चली थी। फैक्ट नंबर टू गाइस, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लगातार 2 बड़ी फ्लॉप फिल्में देने के बाद अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री का रुख कर लिया है। जी हाँ गाइस, अब अक्षय की आने वाली 3 फिल्में साउथ मूवीज का रीमेक है, जिसमें पहली है मिशन सिंड्रेला जो कि तमिल फिल्म रात शासन का रीमेक है। और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रकुल प्रीत नजर आएंगी और ये फिल्म थिएटर पर नहीं बल्कि ओटीटी पर सीधे रिलीज होगी। दूसरी फिल्म है सेल्फी, इस फिल्म में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी एक साथ नजर आएंगे और ये मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक है। और अक्षय की तीसरी फिल्म सुरराई पोत्रू का रीमेक है, इसमें अक्षय के साथ साउथ एक्टर्स रश्मिका मंदना भी नजर आएंगी। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री का रुख क्यों कर रहे हैं?